इसके पहले वाला पार्ट आप सभी ने बिल्कुल ध्यान से देखा होगा। उसमें हमने कुछ ये कहा था कि हमारा ये जो प्रोग्राम है डेमो वन और सेकेंड प्रोग्राम कहां पर रखा हुआ है, अभी नाम के फोल्डर के अंदर। देखो यदि mymath.py वाला प्रोग्राम यहां पर रख देते हैं, और सभी को ये तो क्लियर है mymath.py के अंदर क्या कोड किया हुआ है, कुछ ही है, तीनों फंक्शन रखे हुए हैं, ठीक है। दोनों एक साथ रखे हुए होते हैं तो बिल्कुल ये वाला प्रोग्राम क्या होने वाला है, वर्क करने वाला है, कोई भी प्रॉब्लम यहां पर होने वाली नहीं है। एग्जाम्पल को हमने रन कर दिया, बिल्कुल प्रोग्राम वर्क हुआ, आउटपुट आकर क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। लेकिन यदि हमने हमारे इस प्रोग्राम को यहां से हटाकर इस अभी नाम के फोल्डर के अंदर रख दिया, तो क्या इस कंडीशन में अब प्रोग्राम ये वाला प्रॉपर वर्क करने वाला है? बिल्कुल भी ये प्रोग्राम वर्क करने वाला नहीं है। यहां पर तो एरर मैसेज ही आकर क्या होने वाला है, डिस्प्ले होने वाला है, ठीक है, करेक्ट। तो हम ये चाहते हैं कि यदि फोल्डर के अंदर मॉड्यूल रखा हुआ है तो भी क्या होना चाहिए, यहां पर एक्सेस हो जाना चाहिए। तो कैसे एक्सेस होगा, सिंपल तरीका है कि ये जो मॉड्यूल है mymath.py किस फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, अभी वाले फोल्डर के अंदर। तो इस कंडीशन में आपको सिर्फ इतना सा लिखना है कि अभी डॉट mymath, और इतना करने के बाद आपने यदि इस एग्जाम्पल को रन कर दिया तो बिल्कुल ये प्रोग्राम यहां पर रन हो गया है, कोई भी यहां पर प्रॉब्लम नहीं आया है। इसलिए सभी को इतना कंसेप्ट यहां पर क्या होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। सभी ध्यान से इस कंसेप्ट को नोट करेंगे। यदि हमारा मॉड्यूल अभी नाम के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है राम, और राम नाम के फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या इस कंडीशन में प्रोग्राम अभी वर्क करेगा क्या? सर अभी तो वर्क करने वाला नहीं है, करेक्ट। एरर मैसेज आकर क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। तो अब क्या करना पड़ेगा, अभी के अंदर फोल्डर का नाम क्या, राम, और राम के अंदर क्या रखा हुआ आपका, mymath नाम का मॉड्यूल। तो कुछ आपको ऐसा लिखना पड़ेगा और अब आपका प्रोग्राम यहां पर बिल्कुल वर्क करने वाला है, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो सभी को आई थिंक कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो रहा होगा। अब हम यहां पर कुछ ऐसा करते हैं कि हमने क्या किया कि ये जो हमारा मॉड्यूल है इसके अंदर इस वाले कोड को हम हटा देते हैं और हमने लिख दिया x इक्वल टू 100। तो क्या मॉड्यूल के अंदर वेरिएबल को हम डिफाइन कर सकते हैं क्या? और बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए हमने लिखा यहां पर कि x इक्वल टू कॉमा x, और बिल्कुल ये प्रोग्राम यहां पर वर्क करने वाला है, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इस टाइप से भी हम कोड बिल्कुल कर सकते हैं, यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सभी ध्यान से समझेंगे, कुछ इतना कोड है। हाँ जी, सभी एग्जांपल को ध्यान से नोट करेंगे। और जो ये mymath वाला हमारा मॉड्यूल है किस फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, अभी के अंदर राम नाम के फोल्डर के अंदर, इसलिए लिखा है अभी डॉट राम। सभी को समझ आ रहा होगा। अब हमने यहां पर कुछ ऐसा किया कि स्टार के बदला यहां पर लिख दिया x, और यहां पर x की वैल्यू चेंज करके कर दिया कितना, 500। तो पता है इस कंडीशन में भी बिल्कुल प्रोग्राम प्रॉपर वर्क करने वाला है, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो सभी को ये कंसेप्ट भी यहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमने क्या किया कि हमारे मॉड्यूल के अंदर एक क्लास बनाकर तैयार कर दिया। क्लास का नाम कितना दे दिया हमने, ए, और ए क्लास के अंदर एक मैथड बनाकर तैयार करा, मैथड का नाम हमने दे दिया सो वन। मैथड के अंदर प्रिंट किया एक मैसेज और क्लास ए, ठीक है, कुछ इतना कोड यहां पर किया हुआ है। हम चाहते हैं कि क्लास ए को यहां पर एक्सेस करना है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, ए। अच्छा, सभी को ये तो समझ आता है ना कि क्लास के अंदर का डेटा क्लास के ऑब्जेक्ट से ही एक्सेस होता है। हम चाहते हैं क्लास ए के अंदर की सोवन नाम की मैथड को हमें यहां पर एक्सेस करना है। तो हमें पहले क्या करना होगा, क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्लास ए का हमने ए वन ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर हमने लिखा a1.so1। इतना होने के बाद हमने इस एग्जाम्पल को रन करा तो बिल्कुल प्रोग्राम यहां पर क्या हो रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। आई थिंक सभी को ये वाला कंसेप्ट भी यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए। सभी एग्जाम्पल को ध्यान से नोट करेंगे। अब हमने यहां पर कुछ ऐसा किया कि हमारे मॉड्यूल में हमने एक और क्लास बनाकर तैयार किया, क्लास का नाम देते हैं बी,
और मेथड का नाम सोटू, मैसेज क्लास बी, करेक्ट। अब इतना होने के बाद हमने क्या करा कि यहां पर क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाकर तैयार कर लिया बी वन, और हमने लिखा बी वन डॉट सो टू, करेक्ट। लेकिन अभी यहां पर क्या आपने क्लास बी को इम्पोर्ट किया है? सर बिल्कुल नहीं किया। तो क्या ये प्रोग्राम वर्क करेगा? अरे नहीं करने वाला, यहां पर तो एरर मैसेज आकर डिस्प्ले होने वाला है, करेक्ट। नेम बी इज नॉट डिफाइंड। तो हमने क्या किया कि यहां पर कुछ ऐसा लिखा, तो इस कंडीशन में अब बिल्कुल प्रोग्राम यहां पर क्या होने वाला है, प्रॉपर वर्क करने वाला है, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो सभी को ये कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सभी ध्यान से कंसेप्ट को नोट करेंगे। हाँ जी, आपको पता है इस कोड को हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया कि यहां पर लिख दिया कॉमा करके वी, तो इस कंडीशन में भी ये प्रोग्राम बिल्कुल प्रॉपर वर्क करने वाला है, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें इस एक्स वेरिएबल को यहां पर एक्सेस करना है। हमने लिख दिया प्रिंट डबल कोड में एक्स इक्वल टू कॉमा करके एक्स। तो क्या अभी यहां पर ये एक्स वेरिएबल एक्सेस हो जाएगा क्या? सर अभी तो बिल्कुल एक्सेस होने वाला नहीं है, यहां पर तो एरर मैसेज ही आकर क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। हम चाहते हैं कि एक्स वेरिएबल को हमें यहां पर एक्सेस करना, तो आप ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल, कॉमा करके हमने क्या कर दिया, एक्स लिख दिया। तो बिल्कुल ये प्रोग्राम प्रॉपर वर्क करने वाला है, यहां पर कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। कोड को मॉडिफाई करते हुए हमने कुछ यहां पर ऐसा किया कि एक फंक्शन बनाकर तैयार कर दिया मल्टी, और इसके अंदर एक्स कॉमा वाई वेरिएबल हमने लिखा यहां पर कि रिटर्न एक्स इंटू वाई। हम चाहते हैं इस मल्टी वाले फंक्शन को हमें क्या करना है, यहां पर एक्सेस करना है, प्रिंट मल्टी, और यहां पर लिख दिया 7,2। तो क्या अभी प्रोग्राम वर्क करेगा क्या? नहीं सर, अभी तो बिल्कुल प्रोग्राम वर्क करने वाला नहीं है, यहां पर एरर मैसेज आकर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन हम बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, और इस कंडीशन में बिल्कुल प्रोग्राम क्या होने वाला है, वर्क करने वाला है। सभी को आई थिंक कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। और यदि हमें कुछ ऐसा नहीं लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल यहां पर स्टार का यूज कर सकते हैं, और प्रोग्राम बिल्कुल अभी भी प्रॉपर ही वर्क करने वाला है। सभी ध्यान से कंसेप्ट को समझते हुए नोट करेंगे। तो सभी को अभी तक का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आप सभी को समझ आ रहा है ना, तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या समझने वाले हैं कि यदि हमें मॉड्यूल को एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में एक्सेस करना है, तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट में समझने वाले हैं। लेकिन हम नेक्स्ट पार्ट तभी बनाएंगे जब आप हमें कमेंट कर कर बताएंगे कि आपको हमारा पढ़ाना समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। यदि हमारा पढ़ाना समझ नहीं आ रहा है तो हम क्यों बिना मतलब वीडियो बनाते जाएं। तो सभी कमेंट कर कर जरूर बताएंगे कि आपको समझ आ भी रहा है या फिर समझ नहीं आ रहा है। ओके।